अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं और कैसे हैं सब देखने वाले जी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना डाइट प्लान शेयर करूंगी, और जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी तो उनके लिए छोटी सी रिव्यू है कि कल मैंने एक रेमेडी शेयर की थी जिस रेमेडी को यूज़ करके मैंने 35 पाउंड वेट लूज़ किया था। तो मैं चाह रही थी कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को बताऊँ कि ये मेरी वेट लॉस की जर्नी कैसे हुई, किस तरह से मैंने कोई भी एक्स्ट्रा थोड़ा सा एफर्ट तो होता है आपको अपनी जो रेगुलर खाना पीना छोड़ना है, और आपने किस तरह से एक हेल्दी डाइट प्लान इम्प्लीमेंट करना है अपने ऊपर। तो समटाइम कुछ लोग सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। मैं भी उन लोगों में से ही एक थी कि जो सोचते तो थे करते नहीं थे, लेकिन जब मैंने किया और उसने वर्कआउट भी हुआ तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस वजह से मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जी। रेमेडी तो आपको पता है कि पार्सले का पानी है, पानी पीना है लेमन डाल के पार्सले के साथ 5 डेज़। मैं रिपीट कर रही हूँ इस वीडियो में अगेन कि 5 डेज़ ये रेमेडी करनी है एवरी मॉर्निंग, और अपना डाइट प्लान अच्छे से फिक्स रखना है, हेल्दी खाना पीना है, और जिस तरह से मैंने खाया पिया था, जो कुछ मैंने किया था वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जी, सुबह से उठने के बाद सबसे पहले आपने जो काम करना है, वॉशरूम यूज़ करके आपने अपना वेट नोट डाउन कर देना है, स्केल मशीन पे चढ़ना है और अपना वेट लिख लेना है, और उसको आपने याद रखना है कि फर्स्ट डे आपका वेट क्या था। और एवरी मॉर्निंग आपने ये रूटीन रखनी है कि एवरी मॉर्निंग आपने ट्रैक करना है कि आपका वेट गिर रहा है, कब गिरना स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आपका काम भी अच्छा हो जाएगा, कि आपको अच्छा फील होगा कि मेरा वेट गिर रहा है। और कुछ लोगों का शुरू के 2 वीक के बाद गिरना शुरू हो जाता है, और कुछ लोगों को 3 वीक्स के बाद इफेक्ट्स आते हैं, और मुझे जो इफेक्ट शुरू हुए थे 3 वीक्स के बाद। जैसे मैंने 5 डेज़ के लिए किया था 10 डेज की ब्रेक ली थी, 5 डेज़ के लिए किया था 10 डेज़ की ब्रेक ली थी, और जब मैं 5 डेज़ के लिए जब दोबारा किया उसके बाद मेरा वेट गिरना स्टार्ट हो गया थर्ड टाइम से। तो जी, इस तरह से है कि आपने अपना मॉर्निंग का स्टार्ट कर लिया पार्सले पानी पी के लेमन वाला, उसके बाद 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना। उसके बाद मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, 3 ऑप्शन मैं अल्टरनेट कर लेती थी। मैं बना लेती थी अंडा आमलेट बना लेती थी, लाइक ढेर सारी वेजिटेबल डाल के, अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल डाल के 2 अंडों का आप आमलेट बना लें। किसी दिन उसमें चीज़ डाल लेती थी, चीज़ डाल के खा लेती थी। किसी दिन दिल चाहता था तो 1 अंडे का आमलेट बना लेती थी और एक साथ ब्राउन स्लाइस ले लेती थी, और फिर एक मैं खाती थी ओट्स यानी कि दलिया। दलिये को मैं पानी में बॉईल करके लेती थी, क्योंकि अगर दलिये में अगर दूध में बॉईल करके खा लेते तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है और उससे आपका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, ना कि स्टॉप हो। जब दलिया पक जाए पानी में तो आप उसके अंदर दूध डाल लीजिए और शुगर ना डालिएगा। और कुछ लोग कहते हैं जी ब्राउन शुगर डाल रहे हैं वो वेट में, दोनों ही मीठे आपका वेट बढ़ाते हैं, और मैंने मीठा बिल्कुल कट डाउन किया था। ये तो मैंने आपको 2 ऑप्शन आमलेट्स के बता दिए, ओट्स का बता दिया, आप बॉयल एग करके खा सकते हैं। और चाय मैं पीती थी, किसी दिन चाय भी पी लेती थी, 1 कप काफ़े का बना के फ्यू ड्रॉप्स मिल्क के डाल के पी लेती थी। अगर आप चाय का नहीं छोड़ना चाहते तो चाय पी लीजिए। शुरू में आपको थोड़ी स्ट्रिक्ट डाइट करनी पड़ती है 3-4 वीक्स के लिए, लेकिन जब आपको लगता है कि आपकी एक रूटीन बनती जा रही है तो आप आहिस्ता आहिस्ता क्वांटिटी थोड़ी कर लें, लेकिन हेल्दी चीज़ें खाएँ। तो ब्रेकफास्ट में आपको मैंने अपनी रूटीन बता दी, इस तरह आप अल्टरनेट कर सकते हैं। आपका दिल चाहे तो आप कभी कभी पराठा भी खा सकते हैं, लेकिन छोटा सा, बहुत ज़्यादा ऑयल में तला हुआ नहीं, हल्का सा पराठा किसी दिन खा लिया। और फिर उस दिन आपने ऐसा किया कि साथ चाय का कप ले लिया, कोई ग्रेवी वगैरह नहीं ली क्योंकि कैलोरीज बढ़ जाती हैं, या 1 अंडा आप सिर्फ हल्का सा, उसको फ्राई नहीं किया, हल्का सा 1/2 टीस्पून डाल के ऑयल, तो अंडा पका लें, अंडा और पराठा खा लें, आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जल्दी वेट गिरे तो अगर पराठा छोड़ देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मिड डे में जैसे नाश्ते के 2 घंटे के बाद, क्योंकि इस डाइट में ना खाली पेट नहीं रखना आपने, तो नाश्ते के 2 घंटे के बाद आप कोई सा भी फ्रूट्स ले सकते हैं। फ्रूट्स में पियर, पीच, और आप लाइक ग्रेप्स नहीं खाने, जो फ्रूट्स नहीं खाने उनका मैं बता देती हूँ आपको, ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने बनाना नहीं खाना, मैंगो नहीं खाना और ग्रेप्स नहीं खाने, क्योंकि इनमें मीठे की शुगर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होती है। इसके अलावा कोई भी आप एक फ्रूट खा लें, फ्रूट चाट बना के ना खाइएगा, सिर्फ एक फ्रूट खाइएगा। तो जी, उसके बाद आपकी आ जाती है लंच।
इस डाइट में आपको ये मिलेगा देखें कि आप भूखे नहीं रहेंगे। अक्सर हम लोग इतना इतना भूखा रहते हैं और वेट गेन हो जाता है, ये इस डाइट की ब्यूटी थी। तो मैं भूखी नहीं थी रहती, फिर लंच में होता था एक सैलेड का बोल खा ले, उसके साथ मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आती थी ना मसर, साबुत मसूर, मसूर होते हैं ना, साबुत मसूर की दाल नहीं, साबुत मसूर को एक बाउल भर के एक दिन साबुत मसूर का ले लेती थी। तड़का बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लगाना, लाइक जैसे नॉर्मल घर की जो दाल पकी होती है वो आपने दाल खानी है, उसके साथ एक बाउल सैलड का खा लें। अगर दूसरे दिन अगर आप चाहें तो आप फिश ग्रिल कर सकते हैं, साथ सैलड ले सकते हैं। अगर आप किस पास कोई ग्रेवी बनी हुई है, कोई सालन बना हुआ है, उसके साथ एक या दो ब्राउन स्लाइस ले लीजिए, पीटा ब्रेड ले सकते हैं ब्राउन वाली। अगर घर में अगर आप होल व्हीट आटे का आटा है तो आटे की हल्की सी चपाती बना लें, लेकिन बहुत बड़ा पेड़ा ना हो, 6-7 इंच की रोटी बना लें, एक वो खा लें। तो मैं तो जो घर में बना होता था, जो सच्ची आपको बताऊं, जो सालन बना होता था उसके साथ एक ब्राउन स्लाइस ले लेती थी, सैलड का बोल ले लेती थी, थोड़ी मिकदार में लेती थी, खाती थी। और जी उसके बाद आपने लंच में आप मूंग और मसूर की दाल का सूप भी ले सकते हैं, ये सारे वेजिटेबल सूप आप ले सकते हैं। और डिनर आ जाते हैं डिनर की तरफ, तो डिनर मेरा जो सा है ना 6 बजे से पहले होता था, 6 o'clock से पहले पहले अगर आप खा लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में अगर आपका कुछ दिल चाहे तो आप कुछ फ्रूट्स ले सकते हो, कोई नट्स ले सकते हो हल्के फुल्के, लेकिन हैवी नहीं खाना। और पोटैटोज़ मैंने कम्प्लीटली कट डाउन किए थे, आलू मैं बिल्कुल नहीं थी खाती, चावल मैं बिल्कुल नहीं थी खाती, फर्स्ट 3 months मैंने चावल और आलू बिल्कुल नहीं खाए थे। तो जी चावल और दाल चावल बिल्कुल नहीं खाने, दाल खानी है चावल नहीं खाने। अगर आप नहीं चावल कट कर सकते तो प्लीज़ सालन की क्वांटिटी ज़्यादा कर लीजिएगा और चावल उसमें थोड़े से डाल लीजिएगा, अगर आप बिल्कुल ही नहीं छोड़ सकते। नहीं तो अगर आप रियली चाहते हैं कि वेट लॉस हो तो फर्स्ट फ्यू मंथ्स आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से शाम में डिनर में आप इस तरह से कोई भी खाना जो घर में बना हुआ है वो आराम से ले सकते हैं, ये नहीं है कि आपको स्पेशली कुछ बनाना है करना है। और हाँ, एक वो होता है कि हम लोगों की एक क्रेविंग होती है, अगर कोई यंग लड़कियां वेट लूज़ करना चाह रही हैं तो आजकल के बच्चों को तो पता है ना, स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियां चटखोरी होती है, और मैं खुद बड़ी चटखोरी हूं, तो दिल चाहता है कुछ चटपटा खाने को, समोसा पकौड़ा चाट ऐसा कुछ। तो मेरी दो तरह की क्रेविंग्स होती थी, अगर मेरी कुछ ऐसी क्रेविंग होती थी तो उसको मैं ऐसे फिलफुल करती थी, 2 slices ले लेती थी ब्राउन स्लाइस, उसमें एक चीज़ का स्लाइस लगा लेती थी, कोई भी अगर फिश ग्रिल फिश है या चिकन है या कबाब बने हुए हैं वो लगा के एक सैंडविच सा बना लेती थी। सॉस कोई नहीं थी लगाती, क्योंकि हर सॉस में ना शुगर होती है, तो इस वजह से शुगर मैंने कम्प्लीटली कट डाउन की थी। तो इस तरह से ये पिज़्ज़े वाली क्रेविंग और सैंडविच वाली क्रेविंग आपकी फिलफुल हो गई। और रात में अक्सर मुझे क्रेविंग होती थी कि कुछ खाया जाए चटपटा, तो उस टाइम मैं दही भल्ले बड़े खाएं, दही भल्लों से मुराद वो चटनियाँ वगैरह डाल के दही भल्ले नहीं, मैंने दही भल्ले खाए हैं इस तरह से कि जैसे दही और फुल्कियाँ, दही फुल्की बना के और उसके अंदर मैं चाट मसाला डाल देती थी ढेर सारी, मैं उसमें रेडिश डाल देती थी, मूलियाँ और बंद गोभी डाल के एक अच्छा भरा हुआ बोल बना लेती। जिस दिन मेरा डिनर कुछ हैवी नहीं, मतलब कि हैवी से मुराद लाइक एक स्लाइस ले लेती थी ब्राउन और साथ कोई ग्रेवी, तो डिनर के बाद अगर मुझे कुछ क्रेविंग होती थी तो मैंने दही बड़े बहुत ज़्यादा खाए हैं, और इसी तरह से बना के जो तरीका मैंने आपको बताया, लेकिन मीठी चटनी के बगैर। और एक मैं अपने फिलफुल करती थी अपनी चटहोरेपन की, अपनी ज़ुबान के चस्कुए को, चने बनाती थी मैं, वाइट चने, उसके अंदर ढेर सारा प्याज और उसके अंदर मूलियाँ ऐसे ही, और साथ में थोड़ा सा डाल लेती थी उसके अंदर ये पुदीना और चाट मसाला और लेमन निचोड़ के। इसी तरह मैं काले चनों को भी करती थी और वाइट चनों के साथ भी करती थी, आलू बिल्कुल भी नहीं डालना। तो ये था सारा मेरा डाइट प्लान जो मैंने फॉलो किया था। और आप अपने घर की बनी हुई चीज़ों से सब कुछ ईजीली कर सकते हैं, लेकिन आपको ऑल्टरनेट पता होना चाहिए कि मिक्स एंड मैच करके अपनी कैलोरीज वाच करके बहुत आसानी से आप एक अच्छा हेल्दी डाइट स्टाइल अपना सकते हैं, और आपका ये डाइट स्टाइल आपको तंग भी नहीं करेगा। लाइक जैसे अगर आप छोड़ देते हैं तो, क्यों, इसमें सबसे मेन चीज़ आपने सिर्फ चावल छोड़े हुए हैं, बाकी आप सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए, हर टाइम खाओ क्वांटिटी का ध्यान रखते हुए। और इस पूरी डाइट में मैं
30 मिनट वॉक करती थी एवरी डे। मैं 30 मिनट वॉक करती थी, फास्ट फास्ट जल्दी जल्दी चल लेती थी, ये मेरी रूटीन थी। और मैंने सोचा मैंने वेट लूज़ किया तो क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं और आप लोगों को भी अपनी जर्नी के बारे में बताऊं कि किस तरह मैंने किया था। अगर ज़्यादा वेट चढ़ा हुआ है तो फर्स्ट 2 मंथ्स के बाद आपका रिजल्ट्स आना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप इतना ज़्यादा नहीं है तो 2 वीक्स के बाद भी आना स्टार्ट हो जाता है रिज़ल्ट। अगर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगी। और गुड लक, जो जो मेरा ये डाइट प्लान फॉलो करेंगे, अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत, किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो, कुछ पूछना चाहें तो मैं बिल्कुल उनके लिए यहाँ पे हाज़िर हूँ। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।